एटम की साख। एटम मादे के छोटे से छोटे हिस्से को एटम कहते हैं, या मादे के छोटे से छोटे जरे को एटम कहते हैं। अब एटम के अंदर दो न्यूट्रॉन, दो जरात पाए जाते हैं, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर दायरों में गर्दिश करते हैं। अब एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी न्यूक्लियॉन्स का मास और न्यूक्लियस का मास बराबर यानी इक्वल होता है। अब इसमें न्यूक्लियाइड यानी एटॉमिक मास नंबर इसे कहते हैं कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को एटॉमिक मास नंबर और प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक मास नंबर को ए से ज़ाहिर करते हैं और एटॉमिक नंबर को जी से ज़ाहिर करते हैं। अगर इनको एक्स और ए जी से ज़ाहिर किया जाए तो भी ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10^-27 होता है। 1869 में एक साइंसदान फ्रांसीसी साइंसदान हेनरी बेक्योरल यूरेनियम के मरकबात पर जज्बात कर रहा था, तो उन दिनों मतला अबर लूज होने की वजह से उसने यूरेनियम के मरकबात पर जब मुताला किया तो उसने एक कागज़ के अंदर चंद यूरेनियम के चंद मरकबात को बंद करके दराज में रख दिया, और चंद दिनों के बाद और उसमें पहले ही फोटोग्राफिक प्लेटें काले रंग के कागज़ में बंद होकर पड़ी हुई थी। जब उसने चंद दिनों बाद उस दराज को खोला और उसने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेटों पर चंद अक्स नज़र आए उसे, और उसने इसे अंदाज़ा लगाया कि अगर इनको एलुमिनियम शीट से में इलादा करके रखा जाए तो क्या ये निशान इन पर ज़ाहिर होंगे। तो उसने उन दोनों को अलग डब्बों में बंद